छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नेशनल हाईवे के मध्य खुले शराब दुकान का विरोध राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ दिखाई देने लगा है, जहां लगभग 5 दिनों से बीजेपी द्वारा शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। वहीं जनता कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर कहा कि एक सप्ताह के भीतर स्थान परिवर्तन नहीं हुआ तो रायपुर मुख्यमंत्री के निवास पर घेराव करेंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी कवर्धा के तत्वाधान में आज हम लोग जो पंडरिया मार्ग पे मारुति सुजुकी के शोरूम के सामने जो शराब भट्टी अभी संचालित है उसे हटाने के मांग को लेके हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। हमारी ये मांग है कि स्थान परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जब से वहाँ पे शराब भट्टी खुली है उसके बाद से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2 लड़के वहाँ पे जवान युवा साथी हमारे अपनी जान गंवा दिए। हमने इसी मांग को लेकर आज ये ज्ञापन देने आए थे। दुकान नहीं हटती तो क्या कुछ कार्रवाई है? हमने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को ये चीज़ को बता दिया है कि अगर ये एक हफ्ते के अंदर वहाँ से दुकान नहीं हटती है तो एक हफ्ते बाद हम सीधा रायपुर जाके मुख्यमंत्री निवास से घेराव करेंगे।